नगर थाना क्षेत्र के सरैयागंज निवासी विशाल कुमार जौहरी की पत्नी पूजा प्रियदर्शी अपने परिवार के साथ अपने घर के सामने धरना दे रही हैं। दरअसल वो अपने पति विशाल कुमार जौहरी के साथ रहना चाहती हैं। दोनों की शादी विगत 19 मई 2021 को हुई थी। वो सीतामढ़ी के नगर थाना क्षेत्र मिर्चाई पट्टी निवासी संजय प्रियदर्शी की बेटी है, लेकिन शादी के बाद से ही पति पत्नी में विवाद हो गया। शादी के बाद पति के साथ महज 15 दिन ससुराल में रही, उसके बाद से मायके चली गई। मामले को लेकर विशाल कुमार जौहरी ने फैमिली कोर्ट में वाद दायर किया। इस बीच विवाहिता पूजा प्रियदर्शी अपने परिजनों के साथ ससुराल पहुंच गई। घर में घुसने का प्रयास करने लगी, लेकिन ससुराल वाले घर में ताला लगा कर कहीं चले गए। विशाल कुमार जौहरी के भाई राजीव कुमार ने बताया कि उनकी मां की तबीयत काफी खराब है, उनका इलाज कराने के लिए बाहर आए हैं। उन्होंने बताया कि विशाल कुमार ने कोर्ट में वाद दाखिल किया है, मामला कोर्ट में चल रहा है। इस बीच ये अचानक घर पर आकर हंगामा कर रही हैं। हम सभी परिवार के लोग मां के इलाज के लिए बाहर आए हैं। हम एक साल से अपने मायके में हैं। ये लोग पगफेरा की रस्म के लिए हमको भेजे थे मायके, उसके बाद ये लोग लेने ही नहीं आए। ब्लॉक करके रखे हुए, कोई बात नहीं करते, मेरे हस्बैंड से बात नहीं करने दे रहे हैं बड़े भैया। आज आप आई हैं तो क्या हुआ है? आज हम 10 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं ले रहा, अंदर नहीं जाने दे रहा, ताला लगा के रखा हुआ। अपना घर बसाना चाहते हैं हम, शायद हम रोइए नहीं। कितने ये कितने दिनों से ये मामला चल रहा है आपके साथ? हम 15 दिन ही रहे हैं ससुराल में, उसके बाद तो हम मायके में हैं। ये लोग तीन देते हैं और आते नहीं है। तीन दे देते हैं कि आ जाएंगे, कल पैकिंग तो हम अभी बहुत बार कर चुके हैं कि हम अब हमको ससुराल जाना है, अब लेने आएंगे, लेकिन ये लोग लेने ही नहीं आते और बात करने के लिए भी रेडी नहीं है। हस्बैंड से तो बात कर लेते, कम से कम विशाल जी तो मेरे से बात करे। क्या कारण है आपके साथ? बड़ी जेठानी नहीं चाहती हम इस घर में आए, यही कारण है, यही सच्चाई है। कब हुई थी शादी? कब हुई थी शादी? 19 मई 2021 को हुई थी। वो स्टार्टिंग डे से ही मेरे कान में आके बोलती थी कि मेरे विशाल जी हैं, मेरे विशाल जी, हम तुमको एक महीना इस घर में नहीं टिकने देंगे। ये चीज हम अपनी मम्मी जी को भी बोले, ननद को भी बोले, तो सब लोग मेरे ऊपर भिड़ गए कि तुम बोल कैसे थी शिल्पी के बारे में ऐसा कुछ भी। मेरे कान में आके किचन में कोई भी काम करते रहते थे तो मेरे कान में आके बोला जाता था ये बात कि मेरे भी साल जी हैं, मेरे भी साल जी हैं। उसके बाद से ये लोगों को लेने भी नहीं आए। आप क्या चाहती हैं? हम अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहते हैं, अपना घर में शादी किए क्यों है? ऐसे तो शादी नहीं करना चाहिए था, इनको मेरा पूरा लाइफ बर्बाद कर दी ये लोग मिलके। आज इस तरह से तमाशा बना दिए, घर के अंदर तो ले सकते थे ना, उनको कुछ नहीं मांग रहे इन लोगों से, डिमांड भी नहीं है। नमक रोटी खिला के रखेंगे ना, वो भी खा के रहने के लिए रेडी है। घर में तो अंदर आने देते हैं, इतना बड़ा कौन सा गलती? अगर हुआ है तो आप सब समाज को दिखाइए, प्रूफ दीजिए कि लड़की में ये बुराई है। आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं कोई भी लोग? बड़े भैया और दीदी पूरा तमाशा वही लोग बना रहे मेरे लाइफ का। वो बोली थी कि हम टिकने नहीं देंगे एक महीना भी, वो बोली थी। और इस सब में मेरी ननद को टारगेट मिली, मेरी ननद का कान भर के, मेरी ननद को बोल करके, झगड़ा करवा के, पूरा मतलब मेरा लाइफ यहाँ तक ला करके वो रखती हूँ। मुजफ्फरपुर जिले में हैंड फुट माउथ डिजीज से संक्रमित एक साथ 5 बच्चों के मिलने के बाद उनकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। ये स्वास्थ्य विभाग के लिए राहत भरी खबर है। हालांकि बच्चों को अभी घर में ही आइसोलेट किया गया। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरुण शाह लगातार बच्चों के परिजन से संपर्क में है। बच्चों में धीरे धीरे बुखार कम होने लगा। वही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सीएम डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने कहा कि अभी तक सरकारी अस्पताल के इस तरह के मरीज नहीं आए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। साथ ही बताया कि बीमारी छूने और छींकने से फैलती, इसलिए जरूरी है कि संक्रमित बच्चों को आइसोलेट करें, फिर साफ सफाई का खास ध्यान रखें, बच्चों को सैनिटाइज करते रहें। सरकारी अस्पताल में, यहाँ चाहे मेडिकल कॉलेज में या किसी सुलह प्रखंड में, कहीं से कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है। प्राइवेट काफी लोगों के माध्यम से मिल रहा है, फिर भी हम लोग सब लोगों को अलर्ट कर दिए। अभी भी प्रभारी लोग आए हुए थे, सुलह प्रभारी आए हुए थे, सब लोगों को अलर्ट किया। मुख्य लक्षण क्या है सर? मुख्य लक्षण यही है कि उसमें वो हाथ में फफोला टाइप का होने लगता है, लाल रैश होने लगता है, मुंह में भी हो जाता है, अंदर जीभ में, तालू वगैरह में, और बहुत जल्दी फैलता है हाथ और मुंह में। 5-6 घंटे के अंदर में हाथ के बाद में मुंह में हो जाता है, लेकिन कोई बहुत सीरियस नहीं है, इसमें कोई मरने का चांस नहीं रहता है। फिर भी हम लोग अलर्ट हैं कि जहाँ भी अगर रिपोर्ट होता है उसका तुरंत सूचना। कितने से कितने वर्षों के बच्चों को ये सर होता है? ये अभी अक्सर हाँ दे रहा है कि 12-14 साल से नीचे लोगों को जो भी केस मिला है उसमें आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट एज अभी तक मैंने, जब केस पता चले कि एक्चुअली में बीमारी है क्या, कौन सी वायरस से है एक्चुअल में,
तब तक ले इसके भी कहना चल रही है। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से मरीजों का इलाज करने वाला सदर अस्पताल खुद बीमार है। अस्पताल परिसर के सभी चिकित्सीय विभाग बारिश के पानी में डूब गए। वहीं अस्पताल में इलाज कराने आ रहे मरीजों के लिए समस्या उत्पन्न कर दी है। झमाझम बारिश के कारण अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड परिसर में जल जमाव, इसके कारण इलाज कराने आने वाले मरीजों को इमरजेंसी वार्ड में पहुँचने के लिए जल जमाव से निकलना पड़ रहा है, जिससे संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है। बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन की नजरें इस ओर नहीं जाती। वहीं सीएस डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा का कहना है कि वो अपने स्तर से जल निकासी के उपाय कर रहे हैं। साथ ही निगम को पत्र के माध्यम से नाला साफ करने का आवेदन दिया गया। बेटर हुआ है, जमाव तो हो रहा है, लेकिन जो बाहर का नाला वाला साफ हुआ उससे धीरे धीरे पानी निकल जा रहा है। समय कम लग रहा है निकलने में, फिर भी मैं बात किया हूँ नगर निगम वाले लोगों से, वो कहा है कि और कुछ जो हो सकता है मैं करूँगा। तत्काल अपने स्वीपर को लेकर के मैं बताया कि जहाँ जहाँ जाम है नाली उसको जरा खोल दो कि बाहर नाला में यहाँ का पानी जो है सर निकलने लगे। मरीजों को परेशानी का सामना करना, तो पानी जब लगेगा तो आम आदमी को, डॉक्टर को, स्टाफ को, जो स्वस्थ आदमी है उनको असुविधा हो रही है, मरीज तो मरीज है, कैसे नहीं असुविधा।